अरे ओ चाचा जो परसों के रोज आप पत्रकार को पुरस्कारित कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं उनके कार्यों के लिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेके? सबसे पहले आप सभी को, सभी मीडिया को मैं नमस्कार प्रणाम। हारा हारा महादेव, जय शिव शंभू। सभी को मैं नमस्कार, मेरा प्रणाम। जिस तरीके से आप सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किए, आप सभी दोस्तों को, सभी मीडिया वालों को मैं नमन करता हूँ, और तमाम जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं उन सभी को मैं नमस्कार। यहाँ पे सीनियर पत्रकार हमारे मुंडे साहब है, हमारे बलवा अड्डा की टीम है, और काफ़ी सारे है, पुष्कर जी है, सब जितनी भी टीम है उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, इसके बाद शिल्पा जी है, जो इनको अभी नया नया अभी पोस्ट मिला है नेशनल स्पीकर, नेशनल स्पोक्स पर्सन DPI के अंदर। ताहिर कमाल खान को सब जानते ही है एज ए एक्टर। तो मैं खाली इतने ही बोलना चाहता हूँ, 24 जून सभी को पता है, पूरी मीडिया को पता है, जो मैं 24 जून को ही मैं मतलब शो करता हूँ। 24 जून मेरे लिए बहुत लकी दिन है, क्योंकि मेरे 24 जून को इसलिए लकी है क्योंकि 6 नंबर है, और मेरी वाइफ ने बोला जो 24 को ही तुम्हारा शो करना चाहिए। तो जब से मेरी वाइफ की बात माना, तब से मैं 24 को शो करना शुरू किया, और अच्छा से मैं कर रहा हूँ। 24 को दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड शो है, आप सभी को पता है 2013 में मैंने शो शुरू किया था, आज 2023 चल रहा है, देखते देखते 10 साल पूरा होने जा रहा है एक अवार्ड शो। लोग कहता है कल्याण जी अभी अभी शुरू किया है, लोगों को ये नहीं पता है जो नया नया शुरू करने वाले जो चेले लोग हैं मेरे साथ, ये जितने भी आजकल जो अवार्ड शो करते हैं ना, ये सब चेले चमचे हैं लोग। इसलिए बोलता हूँ मैं, क्योंकि कल्याण जी चला नहीं है, कल्याण जी 2013 में अवार्ड शो शुरू किया है, आज 23 चल रहा है, 10 साल पूरा हो रहा है। जो बोलता है ना कल्याण जी अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी अवार्ड शो करना शुरू किया है, भाई 2013 में सबको पता है मैंने कांदेली से मैंने शो शुरू किया था, आज वो शो 10वां साल पूरा हो रहा है। आप सभी के आशीर्वाद से, मेरे महादेव के दुआ से, मेरे सभी के दुआ से, सभी के आशीर्वाद से। मीर साहब को तो मीर साहब ने भी देखा है, दुबई का शो मिला, दुबई में देखा है, सब देखा है। इसके अलावा DPIF आइकॉनिक अवार्ड मुंबई, दादा साहेब फालके छोटा भाई, दादा साहेब फालके अवार्ड मैं सबको दे नहीं सकता हूँ, तो उसका छोटा भाई DPIF आइकॉनिक अवार्ड मुंबई, DPIF आइकॉनिक अवार्ड दिल्ली, DPIF आइकॉनिक अवार्ड भोपाल, ऐसे अलग अलग स्टेट में हम कर रहे हैं। तो वो है जिसमें दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया में हम क्या कर रहे हैं, जो पत्रकार हैं, कुछ कुछ पत्रकार को हम जैसा मुंडे साहब को दे रहे हैं, अड्डा जी को दे रहे हैं, हम वो हमारे पुष्कर जी को दे रहे हैं, काफ़ी सारे कुछ मीडिया कर्मी है यहाँ पर, उनको दिया जा रहा है, काफ़ी सारे मीडिया जी को दे रहा हूँ मैं, News18 को दे रहा हूँ मैं, आज तक को दे रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे बड़े न्यूज़ इंडिया को दे रहा हूँ। तो ऐसे पत्रकारों को दे रहे हैं, उसके साथ साथ में भोजपुरी के सब बड़े कलाकार हैं, सिंगर है, डांसर है, अच्छे अच्छे लोग हैं भोजपुरी के, क्योंकि दोनों मिक्स होता है, भोजपुरी और मेरा मीडिया मिक्स होता है। इसके अलावा DPIF आइकॉनिक अवार्ड कुछ स्टार है, उसके साथ साथ में इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है। ये टाइमिंग है मेरा 3 से लेकर 5:30 बजे तक है। इसके बाद मेरा शो है छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, हम सबके राजा, महाराज के राजा, हम सबके राजा, माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ सर झुका के। जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र को जिंदा किया है, महाराष्ट्र को बचाया है, देश को बचाया है, ऐसे वीर योद्धा, हम सबके राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का ये अवार्ड शो होता है हमारा, पिछले 3 साल से हो रहा है, ये मेरा 4th year है, और इस साल में मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जहाँ पर कुछ 10-12 MLA है, 5-6 MP है, 2-3 एक्स मिनिस्टर है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, ऐसा करके काफ़ी सारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, मराठी इंडस्ट्री से कुछ कलाकार हैं, हिंदी इंडस्ट्री से कुछ कलाकार हैं, ऐसे करके कुछ सोशल वर्क है जो समाज के अच्छा काम किया है, ऐसे
लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पे हम सभी को सम्मानित कर रहे हैं। जो सम्मान का भूखा है हम उनको सम्मान कर रहे हैं। सम्मान तो सभी को मिलता है लेकिन भूख होना चाहिए, हर चीज का भूख होता है। ज्यादा हमें भूख लगता है हम खाना खाते हैं, इसी तरह सम्मान का अगर भूख हो इसी ऐसे व्यक्ति को हम सम्मान करें जो सम्मान को रोज मिलता। सम्मान होता है मुझे रोज मिलता है क्या पड़ी है, लेकिन जिसको भूख है जिसको लेने के बाद बोलता है यस मुझे आज ये सम्मान मिला है, हम ऐसे व्यक्तियों को हम सम्मान किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं मुक्ति फाउंडेशन में, आप सभी की दुआ से आप सभी के आशीर्वाद से मुक्ति फाउंडेशन 24 को धमाल होगा। लेकिन जब तक आप लोग मुझे साथ नहीं दोगे, क्योंकि आप तब से साथ दे रहे हो जब मैंने फिल्म शुरू किया था, आप तो मेरे साथ साथी हो, अड्डा के साथ है, उसको जी साथ दिए 2012 से आप लोग साथ, तो 2012 मतलब 2023 चल रहा है, मतलब आप समझो कितना साल हो गया, 14 साल हो गया, 12 साल हो गए। तो इतने साल से आप लोग साथ दे रहे हैं, साथ है, और आप देखा ही है एक टूटा हुआ बाइक पे घूमता था जिसमें 3 बार किक मारना किक मारता था और पेट्रोल खत्म हो जाता था, आज मैं मर्सिडीज में घूमता हूँ। तो आप वो सफर देखा है टूटा हुआ बाइक पर पेट्रोल खत्म होता था, ढूंढ लेंगे मंजिल हम, और कमर पेट्रोल लेके आता था डब्बा भर के। तो वो दिन था, क्योंकि आज मर्सिडीज में घूमता इसलिए घूमता क्योंकि मैं मेहनत किया है। उन तमाम लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो मेरी पीठ पीछे पूछ मार रहा है, चीटिंग नहीं, हाँ चीटिंग नहीं किया, जो पीठ पीछे मेरी पूछ मार रहा है, पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है, पीठ पीछे मेरी बातें कर रहा है, तो मैं बात करूँ, बात करने वाले मेरी पीठ पीछे रहेगा, मैं तो आगे बढ़ते रहेगा, जो करना है करो भैया, मैं तो रुकना नहीं हूँ, मैं तूफान हूँ, मैं तूफान को रोक नहीं सकता सर, आग भी आएगा वो भी तूफान में आग बुझ जाएगा, मैं घोड़ा हूँ, ना रुकेगा ना थकेगा ना सोएगा, सिर्फ भागेगा, हाँ अच्छा से भागेगा, किसी बुराई करके नहीं, किसी गलत करके नहीं, लेकिन मैं रुकेगा नहीं। इसलिए मैं रुकेगा भाई, मैं 23 साल दे दिया, 13 साल का लौंडा था मैं, 13 साल का लड़का था, आज मेरा हो गया 35 साल, आज मेरा बर्थडे है, 35 साल हो गया सर, 35 साल मतलब आप समझ सकते हो, 23 साल का लड़का और 12 साल का था, आप 23 साल मैं दे दिया बॉम्बे को, तो 35 साल मेरा पूरा हो गया मेरा एज को, और 23 साल पूरा हो गया मेरी पूरी मुंबई को। अब 23 साल के बाद अगर मुंबई में अगर मैं कुछ ना करूं तो भाई धिक्कार है, आदमी क्या समझेगा, मैं क्या 1 साल में मैं किया है, मैं 5 साल में किया है, भैया 23 साल लग गया मेरा मुंबई में, तो 23 साल के बाद अगर मैं मर्सिडीज बैठता हूँ, वो भी सेकेंड हैंड ये मर्सिडीज, कोई नया मर्सिडीज मैंने नहीं लिया था, अगर नया लगा तो और जल जाएगा, मैंने अगर मर्सिडीज लिया ऑडी लिया तो सेकेंड हैंड लिया भैया, नया नहीं लिया, और उसमें भी लोगों को जलन हो रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी नया लेगा जगवार लेगा ही मैं, है ना, तो तब जलना। तो सभी को मैं नमस्कार, थैंक यू सो मच, मेरे 24 का शो के बाद मैं आप सभी के आशीर्वाद से 24 अगस्त को मैं एक बहुत बड़ा शो कर रहा हूँ, जो दादा साहेब फाल्के जो हमारे इंडस्ट्री का जन्मदाता है, जिनके नाम का मेरे NGO है, उनकी जो वाइफ है, हम सबकी माँ है, जो फर्स्ट लेडी हिंदुस्तान का, जो फर्स्ट एडिटर, फाइनेंसर, प्रोड्यूसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, वो पहला लेडी है, उनके नाम का एक सोलमेट अवार्ड हम लेके आ रहे हैं, उसका बाद में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़ा करेंगे, एक बड़ा होटल में हम करेंगे उसका बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके बाद ही हम कर रहे हैं वो डायरेक्टली, वो होगा 24 अगस्त को मुंबई में, द DPIA बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड, और साथ में DPIA बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड, जो बिजनेस मैन को हम दे रहे हैं, अच्छे अच्छा काम किया है, जो गरीब से आगे बढ़ा है, और एक सोलमेट अवार्ड हम लोग कर रहे हैं, वो सोलमेट अवार्ड होगा माता और पिता, अगर आपके पास हस्बैंड वाइफ जोड़ी है तो हम जोड़ी को देंगे, अगर आपके पास हस्बैंड वाइफ नहीं है, किसी का हस्बैंड नहीं है, तो अपनी माँ बाप को लेके आ सकता है, और किसी को नहीं, सोलमेट अवार्ड, जो अपने माँ बाप जो आगे बढ़ाया, आप माँ बाप को लेके आ सकते हो या अपने हस्बैंड वाइफ को लेके आ सकते हो, ये बहुत ही बड़ा जोड़ी अवार्ड हम लोग सोलमेट अवार्ड कर रहा है, जिस तरीके से आज अमिताभ बच्चन अगर है तो जय मैडम की वजह से है, अगर जय मैडम है तो अमिताभ जी की वजह से है, तो इन दोनों का जो प्यार है,
अगर गौरी है तो शाहरुख है, शाहरुख है तो गौरी है, कल्याण जी है तो अंकिता है, अंकिता तो कल्याण जी है। तो बेसिकली एक जोड़ी अवार्ड हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत, जिसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टार को हम इन्वाइट कर रहे हैं, जिसमें अभी अभी जो शादी हुआ है नया नया, हमारे ओल्ड शादी है, तो सभी को बुलाएंगे। मुंडे साहब भी इसमें बहुत मुझे हेल्प कर रहा है, एंड थैंक यू सो मच, इसमें बहुत सारे जोड़ी को हम दे रहे हैं। इसके बाद हमारा शो है डायरेक्ट हमारा दुबई में 6 and 7 अक्टूबर। अब लोग बोलते हैं कल्याण जी मीडिया को लेके नहीं जाता है दुबई, बोलते हैं, लेकिन मैं अड्डा को मैं लेके गया, अड्डा आपको लेके गया ना? बिल्कुल। तो मैं एक मीडिया को मैं लेके गया था पिछली बार, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन अड्डा को लेके गया लोगों को चुप करने के लिए, मुँह को, जो भाई मीडिया को कल्याण जी बोलते हैं लेके नहीं जाता है, लेकिन मैं अड्डा को लेके गया। इस बार आप सभी का आशीर्वाद मिले, दो पैसा अगर अच्छा खासा आए तो मैं कुछ कुछ मीडिया को हम लेके जाएंगे इन हाउस दुबई में लेके जाएंगे। पहली बार BCL कर रहा हूं मैं, द DPIA BCL, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्रिकेट लीग कर रहा हूं मैं, जहां पर 11 प्लेयर है, 5 गर्ल होगा 6 बॉय होगा, पहली बार लड़का और लड़की एक साथ खेलेगा, मेल एंड फीमेल, और 28 जो हमारा स्टेट है उसका जो कॉस्ट्यूम्स है, चेस गर्ल होते हैं इसमें, चेस गर्ल एंड बॉय होगा पहली बार, जिसमें हमारा देश के झंडा को और देश के कॉस्ट्यूम पहन के वहां पर हम देश के कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा वहां पे देश के टूरिज्म को हम दिखाएंगे, और वहां पर जो टीम होगा वो टीम हैदराबाद टीम होता है, मुंबई की टीम होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर होगा इंस्टाग्राम टीम, तो इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर है उनको लेके हम टीम बना रहे हैं, गर्ल एंड बॉय। यहाँ पे टीम होगा टीवी स्टार, फिल्म स्टार, सब नाम होगा टीम का, बिल्डर, बिजनेसमैन, न्यूज, तो न्यूज से टीम होगा 11 प्लेयर का, ऐसे करके हम लोग 9 टीम बना रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से, न्यूज, बिल्डर, बिजनेसमैन, सोशल वर्कर, टीवी स्टार, फिल्म स्टार, इंस्टाग्राम और दुबई की टीम, ऐसे करके हम 9 टीम बना रहे हैं। एक अलग ही कैमरा बड़ा पकड़ो भाई, एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही सिस्टम है, एक अलग ही कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। पहली बार दुबई में पूरी इंडिया नहीं पूरी वर्ल्ड में, इसलिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिमका बुक ऑफ सब आ रहे हैं, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद आप सबको पता है 24 नवंबर को मेरा दाल साहेब फाल्के शो होता है, सबको पता है, और वो होगा अरे मुंबई पुलिस आइकॉन अच्छी बार है, और 24 दिसंबर को मैं गोवा कर रहा हूँ, हम सब गोवा चलेंगे, अगर दुबई नहीं जाएंगे तो गोवा जाएंगे, मीडिया को लेके जाएंगे। ये मेरा इस साल का कोटा पूरा होता है 24th, जो तो एक दिन के बाद मेरा शो है, 24th अगस्त को मेरा मुंबई में, 6 and 7 अक्टूबर को मेरा दुबई में, 24 नवंबर को मेरा मुंबई में, 24 दिसंबर को मेरा कट दे गोवा में। तो ऐसा है, मैं चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग साथ दें, और आप लोग मुझे प्यार दें, आशीर्वाद दें। मेरे साथ नीर साहब है, कमाल साहब है, हमारे चौहान मैडम है, शिल्पा चौहान, तो बहुत अच्छे मेरी फ्रेंड है, और साथ साथ में मेरे साथ DPIF से जुड़े हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है DPIF के, अच्छा बोलती है मैडम, और जो भी हम अच्छा काम कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के के लिए, आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनसे मिली थी कुछ दिन पहले, और इन्होंने मुझे इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, और मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे पता चला कि ये पूरे इंडिया की, पूरे बॉलीवुड की फर्स्ट NGO ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी के पास भी नहीं है। एंड मैं लकी समझती हूँ अपने आप को कि मैं कल्याण जी के साथ जुड़ी, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, फिल्म स्टार के लिए भी, आम आदमियों के लिए भी, TV एक्ट्रेस वाले लोगों के लिए भी, जिनको ये सम्मान देते हैं, और मैं तो खुद ही सम्मान फील करती हूँ कि इन्होंने मुझे DPIF की को ऑर्गेनाइजर बनाया। सो आई एम सो लकी एंड थैंक यू सो मच कल्याण जी कि इनके साथ मुझे जुड़ने का और काम करने का मौका मिला है। बाकी तो आप देखते रहेंगे आगे आगे, सारे प्रोग्राम्स शेड्यूल फिक्स है जैसे कि इन्होंने बताया, तो मेरे ख्याल में ही बहुत अच्छे हैं, और कल्याण जी के लिए आज अवार्ड्स मैं कल्याण जी के साथ पहले दुबई में भी था,
और बड़ा अच्छा लगता है जब कल्याण जी कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं तो हम ज्वाइन भी करते हैं इनको, और हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे और ऐसे ही प्यार बना रहेगा। अभी तो कल्याण जी का जन्मदिन है, उसकी बधाई के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, इनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, और आप सब लोग का प्यार इनके साथ जो बना हुआ है वो अनबिलीवेबल। आज बर्थडे भी है भाई का। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। और कल्याण जी का टैलेंट आप जैसे जानते ही हो कि ये इनके पास कम से कम 25 किस्म के टैलेंट हैं। तो बाकी जो बातें बोलनी है वो तो व्यर्थ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं, और इनकी मेहनत में काफी समय से देख रहा हूँ। आप सब भी जैसे कि देख ही रहे हो कि काफ़ी, वो कहते हैं ना कि अगर इंसान मेहनत करता है ना तो कभी ना कभी उसको लेट सवेर होता है, लेकिन कभी ना कभी उसको मेहनत का फल उसको ज़रूर मिलता है। तो जिस तरह से ये आज काम कर रहे हैं और देश विदेश में दुनिया में हर जगह ये छोटे बड़े कलाकारों को हर तरीके के लोगों को मंच पर सम्मान देते हैं, तो जो एक हर फील्ड के लोगों को जब सम्मान देते हैं तो ऑफकोर्स लोगों का सीना गर्व से फूल जाता है, क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को जब इंसान काम करता है और उसको मान सम्मान मिलता है और वो उसका रूप होता है DPIF और या कल्याण जी जाना, जो इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से प्रोग्राम को करते हैं और लोगों का सम्मान करते हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि इनको खुदा माता रानी इनको इतना आशीर्वाद दे, इतनी दुआ है और इनके अंदर इतनी ऊर्जा हो जैसे कि अभी इनके गाने में जो ऊर्जा थी। मेरे ख्याल से आज का जो अरिजीत सिंह है उसके गाने में भी इतनी ऊर्जा नहीं होगी। सर बाथरूम सिंगर हूँ सर, काम इसी तरह से ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये पूरे वर्ल्ड को पूरे वर्ल्ड के कलाकारों को पूरे वर्ल्ड को इसी तरह से मान सम्मान करते रहे जैसे ये कर रहे हैं। ये मेरे इनके साथ में शुभकामनाएं दुआएं बहुत सारा। सर कितने साल से है कल्याण जी के साथ आप? कितने साल से है? लगभग क्या था, देखो मैं शुरू से ही एक्टर बनने की चाह थी, लेकिन हम लोग डांसर बहुत अच्छे थे, तो पैसों के लिए खर्चा चलाने के लिए हम लोग डांस सिखाने जाते थे काफ़ी समय पे, तो इनके कई सारे क्लास चलते थे, तो ये कई बार मुझे ऑर्डर करते थे कि यार वहाँ पे जाके आप सिखा दो। इस तरह से हमारी जो दोस्ती है लगभग 17-18 साल तकरीबन, तो हमारी दोस्ती का माध्यम अलग है, जो हमेशा से देखो फील्ड अलग अलग होता है किसी का, लेकिन दोस्ती क्या होती है किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में और किसी से भी होती है। तो अब जैसे ये हमारे दोस्त हैं मीर साहब, ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं अभी ये हमसे एज में बड़े हैं लेकिन ये हमारा फ्रेंड है, क्योंकि हम सो शाम को चाय पीना साथ में बैठना तो हम और अमर नहीं दिखते, एक फ्रेंड ही होता है जो उम्र उम्र का बस 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 हमारी मित्रता है। तो मित्रता का कोई रूप नहीं होता और मित्रता बड़ी अच्छी चीज होती है, जहाँ भाई काम नहीं आता। आपने वो सुना भी होगा सुदामा की और की जो कहानी है, कितने गरीब थे वो कितने अमीर थे, तो ये दोस्ती का सिलसिला आपसे नहीं, ये हजारों सालों से चलते आ रहा है और ये इसका कोई रूप नहीं होता, और दोस्त भाई से बढ़ के होता है। हर जगह लिखा गया कि भाई भाई से बढ़ के हर किसी से बढ़ के दोस्त होता है, तो दोस्ती निभानी चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए अच्छे लोग मिले तो, और हमेशा दोस्ती करते रहना चाहिए। तो मेरे दोस्त को बस यही दुआ है कि ये एक दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे हैं, ये जैसे कि आप सब जानते हो टैलेंटेड हर तरीके से, तो इनको एक दोस्त का खूब सारा प्यार खूब सारी बधाई खूब सारी दुआएं, और ये इसी तरह से अवार्ड शो करते रहे। और हाँ खास करके जो ये महफिल जमा हुई है जैसे कि अभी बताया था आपने कि इनको जन्मदिन की बहुत सारी दुआएं बहुत सारा प्यार, और आप सब भी जहाँ तक मुझे सुन रहे हो इनको खूब सारा प्यार दें और खूब सारी दुआएं दें। अच्छा मैं बोल दूं भाई, मैं पार्टी नहीं बना रहा भैया, जो भी मैं वीडियो देखेगा मैं आज पार्टी नहीं है कुछ नहीं, मतलब किसी को नहीं बुलाया, कल छुपके से मीडिया भाई कोई पार्टी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने अड्डा को फोन किया भाई बुला लो मीडिया को मैं कर लेता हूँ, तो अड्डा ने एक घंटे का मीडिया को बुला लिया, तो मेरा ऐसे ही मन हो गया इसलिए कर लिया, मेरा पार्टी करने का मूड नहीं था,
ना मेरा केक काटने का मूड था क्योंकि कल ही मैंने केक काट लिया था और चार पांच केक मेरा दोस्त लोगों ने बुरा बुलाया कि वो काट दिया, तो मीर साहब ने बोला भाई मैं केक लेके आ रहा हूँ तुम केक काटो, तो मैंने बोला चलो आप वहां मत काटो आप यहाँ काटो कम से कम। तो DPIF आइकॉनिक अवार्ड और दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है, छत्रपति शिवाजी अवार्ड 6 से लेकर रात को 10 बजे तक है। और अभी मुझे कल्याण जी जो पत्रकार को सम्मानित कर रहे हैं 24 तारीख को, कितना जरूरी है पत्रकार को सम्मान करना और कब से जानते हैं कल्याण जी के बारे में बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, बहुत कुछ हासिल किया है, बताइए बताइए इस बारे में। कल्याण जी बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे और हर साल मुझे बुलाते रहते हैं और बोलते जुड़ जाओ मेरे साथ, इस साल भी मैं जुड़ के काफ़ी उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और बहुत सारे अवार्डीज मैं लेके आ रहा हूँ। और आज स्पेशली उनका बर्थडे है इसलिए मैं उनको विश करता हूँ। आप मेरे बर्थडे के पहले इनका बर्थडे था 4-5 दिन पहले हमने मनाया छोटा सा, और बर्थडे तो बनाया बनाया है हिंदुस्तान के हर पेपर में आ गया। नबियो मुंडे साहब बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और बहुत सीनियर है अभी का नहीं है, और उनका बेटा भी बहुत अच्छा फोटो खींचते हैं और बहुत वो भी बन जाएगा कुछ ना कुछ सीनियर। हाँ ये हमारे अड्डा साहब बात रह गई। हाँ रहेंगे जी। अभी हर साल जैसे इनका अवार्ड होता है और भी बहुत छोटे मोटे अवार्ड होते हैं और सबसे पहले स्वतंत्र व्यवसाय मीन्स फ्रीलांस फोटोग्राफर में सबसे पहले विदेश में जाके न्यूज कवर करना या मेरा इवेंट करने में गया तो काफ़ी लोगों ने सोचा और मुझे ऐसा चैलेंज करते थे कि इस साल अगले साल हम भी जाएंगे उधर अवार्ड करेंगे ये करेंगे, इस तरह से कुछ लोग जैसे ये है और भी है सोच रहे हैं, मतलब एक उनको इंस्पिरेशन मिल रही है कि हमें कुछ करना चाहिए बाहर जाकर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी मीडिया भी इनके साथ आगे चलती रहे और पक्का फॉरेन में जाके एक अच्छा नाम कल्याण जी ने शुरुआत की है। अभी इस बार मैं अड्डा को लेके गया, अभी 6 और 7 अक्टूबर को जो होगा मैं चुनेंगे, जो मुझे अगर कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल गया तो हम 5-6 लोग हम बढ़ते जाएंगे। और आपको पता ही है मेरा क्या हाल था उस टाइम पे, बहुत बुरा हाल था, तभी भी हमने आपको क्योंकि आपको मैंने वादा किया आप मेरे भाई हो तो 6-7 सब भाई ऐसा नहीं है, तो अभी 5-6 लोगों को और लेके जाएंगे मीडिया को अभी, क्योंकि मुझे क्या होता है मालूम है घर के आदमी घर के लोग रहेगा ना सर तो अच्छा रहता है, वो काम अच्छा लगता है। तो सर क्या बताएंगे, सर बताइए सर आपका। सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू साहब। और मैं इनके साथ पहले अवार्ड से जुड़ा हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि कांदीवली में इन्होंने कैसे कैसे अवार्ड करते थे छोटे से स्कूल में, और छोटे से स्कूल में एक अवार्ड करते थे और तब से ही मेरे को पहला मतलब मुंबई में पहला अवार्ड देने वाला यही है कल्याण जी, मेरे को जो अवार्ड दिया था। और इस बार दुबई में लेकर गए, मैं इनका आभारी हूँ क्योंकि मैं दुबई पहले इससे पहले कभी मैं फॉरेन गया ही नहीं था, मैं इंडिया से बाहर गया ही था पहली बार, यही पहली बार प्लेन में बैठे आप पहली बार ही बैठा हूँ इनकी बदौलत, तो वहां जाकर देखा इनकी हालत क्या थी मैंने अपने आंखों से देखा, जैसे इन्होंने बताते थे पहले उससे पहले जो अवार्ड किया था दुबई में कि ऐसे था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा तो लगा मुझे कि ये अकेला बंदा कैसे कर रहा है कैसे नहीं, कैसे सबको इकट्ठा किया वहाँ पे, कैसे शेख जो आए थे वहाँ पे कैसे उन्होंने इकट्ठे करके वहाँ पर अवार्ड किया और सेलिब्रिटी को उन्होंने एकजुट वहाँ पर संजो कर रखा, स्टेज को बनाकर रखा, तो मैंने अपनी आंखों से देखा वो, तो मुझे बहुत अच्छा मैं इनका क्या कहते थे मैं खुश हूँ इनसे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पहली बार मेरे को लेके जाने वाले यही है, यही शख्स है वो, और आज जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और आगे भी जैसे भी अवार्ड जो हो रहा है तो इसमें भी मेरे को इन्होंने बुलाया है अवार्ड में और वहाँ भी सम्मानित करने वाले हैं दार्शनिक मुंबई अवार्ड, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और हम बिल्कुल इनके साथ है, कुछ कोई डरने की जरूरत नहीं, हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी शख्स आएगा सामने हम पहले हम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, करता रहते हैं आगे बढ़ता रहते हैं। अच्छा कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग जो देख रहे हैं शायद देखेंगे
मुझे देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि साला थूक के चढ़ रहा है। नहीं दोस्त, आप गलत सोच रहे हो, ये हमारे मित्र थे, है, रहेंगे। हाँ, दोस्ती में कभी कुछ होते, कुछ हुआ हमारे बीच में, हम नहीं मिले, हम नहीं कर पाए कुछ काम, लेकिन इस बार, आज के बाद, मेरे ख्याल से कलंक भाई आप सही कह रहा हूँ मैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ताने मारेंगे, मुझे कि साला वहाँ फिर चला गया, फिर झूरी में चला गया, मतलब फिर भी मारेंगे, बोलने वाले हैं ये, लेकिन कल्याण जी जैसा आदमी मेरे ख्याल से कोई नहीं। यहाँ से निकले है भाई, बाप बाप है, बाकी सब बेटे हैं, बाप बाप होता है, यहीं से निकले सब लोग। कई लोगों ने कहीं कमा लिया, किसी ने अंगूठी बनाई, किसी ने चैन बनाई, समझ के किसी बात कर रहा हूँ आपको। एनीवे, इस बार भाई हमको अवार्ड दे रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले मुझे कई बार दिया है, मेरे ख्याल से पहला या दूसरा अवार्ड इनका ही था, मेरे पास दार्शनिक अवार्ड आज तक पड़ा है, मेरे पास 2001 या 2003 का आज तक पड़ा पड़ा है, रखा हूँ मैं, रखूँगा मैं। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण भाई, कल्याण भाई रो पड़े हैं, भावुक हो गए, बर्थडे भी मैंने बुलाया, खुशी का आंसू भाई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू।